दोस्तों आज के वीडियो में हम जानेंगे कि इंडस्ट्री 4.0 क्या है और कैसे आने वाले कुछ सालों में कई सेक्टर्स में से ऑलमोस्ट 50% तक जॉब्स डिसअपीयर हो सकती हैं इसकी वजह से। हम ये भी देखेंगे कि कैसे नए नए ऑटोमेशन नए जॉब्स जनरेट होंगे और ओल्ड जॉब्स जा रहे हैं या रिप्लेस हो रहे हैं, और साथ ही ये भी एक्सप्लोर करेंगे कि एक जॉब सीकर इंजीनियर या इंजीनियरिंग स्टूडेंट इस मासिव चेंज से अकॉर्डिंग अपने आप को कैसे प्रिपेयर कर सकता है। और हाँ, इसके लिए इम्पोर्टेंट स्किल्स और फ्री कोर्सेज के बारे में भी डिस्कस करेंगे जिनसे आप फुल्ली इंडस्ट्री 4.0 के अकॉर्डिंग अपने आप को अपस्किल कर सकते हो, मार्केट में जॉब करने के लायक बन सकते हो। सो बने रहिए आज के इस मोस्ट यूजफुल एंड इंटरेस्टिंग वीडियो के एंड तक ताकि आप कोई इन्फॉर्मेशन मिस ना करो। सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स गेट स्टार्टेड विद आवर वीडियो। इंडस्ट्री 4.0 का मतलब है कि इंडस्ट्रियल फील्ड में फोर्थ रेवोल्यूशन। टेक्नोलॉजी एंड इंडस्ट्रियल सेक्टर में रैपिडली चेंज आता रहा है और उसी के बेसिस पे अब तक तीन इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशंस आए हैं। टेक्नोलॉजी एंड इंजीनियरिंग आपस में क्लोजली कनेक्टेड है, इसलिए टेक्नोलॉजी से रिलेटेड दुनिया में जो भी चेंजेस आते हैं उनका असर इंजीनियरिंग एंड मैन्युफैक्चरिंग फील्ड पर भी पड़ता है। इंडस्ट्री 4.0 में अब स्मार्ट फैक्ट्रीज बन रही हैं जिसमें मशीन्स, IoT, AI, मशीन लर्निंग, इंटेलिजेंट रोबोट्स इन टेक्नोलॉजी को यूज करके एक दूसरे से फुल्ली कनेक्टेड हो जा रहे हैं। मशीन्स एक दूसरे से बात करके ह्यूमन की तरह खुद से लर्न करके अपने प्रॉब्लम्स को खुद से डायग्नोस कर ले रहे हैं, अलर्ट्स देकर खुद से प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर ले रहे हैं और काफी प्रिसाइसली और स्मार्टली हैवी प्रोडक्शन दे रहे हैं। ह्यूमंस की नीड्स तो बिल्कुल कम करते जा रहे हैं। तो ये सीखना बहुत जरूरी है इंडस्ट्री 4.0 में किस टाइप की जॉब रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज रहेंगे, डे टू डे टास्क के लिए किस टाइप की स्किल्स रिक्वायर्ड होगी, IoT, ML, AI ये सब टेक्नोलॉजी कैसे इंडस्ट्री में यूज हो रही है, टॉप कोर इंजीनियरिंग कंपनीज में हाई पेइंग जॉब पाने के लिए कैसे अपने आप को अपस्किल करें, तो इन सब के लिए आपका हेल्प करेगा अनअकैडमी अपने कई सारे अमेजिंग फ्री सर्टिफाइड वर्कशॉप्स के थ्रू। अगर आप इंजीनियर या इंजीनियरिंग स्टूडेंट हैं मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल या इलेक्ट्रॉनिक ब्रांच से और फ्यूचर में सिक्योर्ड कोर इंजीनियरिंग जॉब्स के लिए रेडी होना चाहते हो तो आपके लिए ये एक अमेजिंग अपॉर्चुनिटी है। अनअकैडमी काफी सारे कोर्सेज एंड वर्कशॉप्स लेकर आए हैं जिनसे आप न सिर्फ अपने आप को अपस्किल कर सकते हो साथ ही दुनिया की टॉप कोर इंजीनियरिंग कंपनीज में जॉब सिक्योर कर सकते हो। उनकी लास्ट वर्कशॉप बहुत ही सक्सेसफुल रही जहां लर्नर्स ने काफी कुछ सीखा और सर्टिफिकेट्स भी पाए। आप इन सर्टिफिकेट्स को रेज्यूमे और लिंक्डइन प्रोफाइल्स पर भी शेयर कर सकते हैं। अनअकैडमी फिर से कई सर्टिफाइड वर्कशॉप कंडक्ट कर रहे हैं जो 31 मई तक चलेगी। स्क्रीन पर आप देख सकते हैं ये सब टॉपिक्स आपको सीखने को मिलेगा विद सर्टिफिकेट। और हाँ, अगर आप कोई वर्कशॉप मिस कर देते हो तो उसकी रिकॉर्डिंग आपको मिल जाएगी। लिटरली मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियर्स के लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। इंडस्ट्री 4.0 इंजीनियरिंग डिजाइन, ऑटोमेशन, IoT इन ऑटोमोबाइल सेक्टर, AI जैसे कॉन्सेप्ट सीखने के लिए और फ्री सर्टिफिकेट पाने के लिए ये लोग लाइव प्रोजेक्ट्स के साथ ये टेक्नोलॉजीज इंडस्ट्री में कैसे यूज होती है वो सब सिखाते हैं। तो आप डिस्क्रिप्शन में दी लिंक पर जाकर अपनी फील्ड के हिसाब से सेपरेट लिंक पर जाकर वर्कशॉप्स के लिए रजिस्टर कर सकते हो। चलो अब डिटेल में समझते हैं कि ये इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशंस क्या थे और कैसे हम इंडस्ट्री 4.0 तक पहुंचे हैं। फर्स्ट रेवोल्यूशन, पहले सब कुछ इंसान हाथों से बनाया करते थे, हैंडमेड हुआ करता था। फर्स्ट रेवोल्यूशन के समय ये पता चला कि वाटर से भी एनर्जी जनरेट की जा सकती है, स्टीम यानी भाप की भी पावर होता है। स्टीम एंड वाटर पावर का यूज करके मशीन से काम करना शुरू हुआ। स्टीम के यूजेस डिस्कवर और अप्लाई करने के बाद आगे चल के और ज्यादा काम को मैकेनाइज करना पॉसिबल हो पाया, जैसे वीविंग लूम्स वगैरह यूज होने लगे। इससे प्रोडक्टिविटी ज्यादा बढ़ गई लगभग 300 साल पहले। सेकेंड रेवोल्यूशन अराउंड 1860s to 1870s में वो है जहां कई सारी प्रोसेसेस में इलेक्ट्रिसिटी यानी कि बिजली का यूज शुरू हुआ। इसी वजह से इलेक्ट्रिक असेंबली लाइंस का उपयोग भी हो पाया। अब इंसानों की जगह मशीन्स काम करने लगी इलेक्ट्रिसिटी पर, और ज्यादा इफिशियंसी एंड प्रोडक्टिविटी बढ़ी। ये इलेक्ट्रिसिटी की हेल्प से हो पाया। रेल नेटवर्क की बिगनिंग हुई, बहुत सारे लोग एक साथ ट्रांसपोर्ट मीन्स यूज कर पा रहे थे। टेलीग्राफ नेटवर्क्स भी उसी समय ग्रो किया। तीन मेन, इलेक्ट्रिसिटी, रेल नेटवर्क, टेलीग्राफ नेटवर्क। इस समय भी क्योंकि ह्यूमंस का काफी सारा काम मशीन्स करने लगी थी, अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ गया था। ऐसा ही इंडस्ट्री 4.0 में भी होने वाला है जो मैं आपको अच्छे से समझाऊंगा। थर्ड रेवोल्यूशन इंडस्ट्री 3.0 में कंप्यूटर और ऑटोमेशन की वजह से बहुत बड़ा लीप मिला इंडस्ट्रीज को। इस पूरे एरा में ज्यादा से ज्यादा रोबोट्स बढ़ते गए ह्यूमंस का काम करने के लिए। इंडस्ट्री 3.0 में ऑटोमेशन तो पहले भी था, लेकिन सारा कुछ काम IoT की हेल्प से मशीन लर्निंग के थ्रू नहीं हो रहा था।
ह्यूमंस का इन्वॉल्वमेंट काफी हद तक होता था, मतलब पूरी तरह से ऑटोमेटिकली वर्क करने के लिए मशीन्स लर्निंग प्रॉपरली होना जरूरी है। अभी तक मशीन सब ऑटोमेटिकली लर्न करके वर्क नहीं कर रही थी, ऐसी काफी चीजें थी जो इंटरनेट से कनेक्टेड नहीं थी। बट अब इंडस्ट्री 4.0 में ये सब चेंज होने लगा है। एक पॉजिटिव तरह का रेवोल्यूशन 1960s टू 70s के आसपास एक्सपीरियंस किया गया, स्पेशली इंडिया में जहां आईटी सेक्टर इंट्रोड्यूस हुआ। आईटी कंपनीज इंडिया में पहली आईटी कंपनी 1967 में टाटा ग्रुप से शुरू हुई। और अब फाइनली इंडस्ट्री 4.0 की तरफ हम बढ़ रहे हैं, जो सीपीएस यानी साइबर फिजिकल सिस्टम्स का एरा है। यहां ऐसी स्मार्ट मशीन, स्टोरेज सिस्टम्स, प्रोडक्शन फैसिलिटीज, सब कुछ हाईली स्मार्ट एंड ऑटोमेटेड होगा। ये अपने आप इन्फॉर्मेशन एक्सचेंज कर पाएंगे, एक्शंस ले पाएंगे और एक दूसरे को कंट्रोल भी कर पाएंगे। और इन्हीं सब फंक्शंस की वजह से इंडस्ट्री 4.0 के कुछ कंपोनेंट्स हैं जो हमें समझने चाहिए। नंबर 1, इंटरकनेक्टिविटी। मशीन्स, डिवाइसेस एंड सिस्टम्स के बीच में इन्फॉर्मेशन का एक्सचेंज हो पाता है IIoT की हेल्प से, यानी इंडस्ट्रियल इंटरनेट ऑफ थिंग्स। इसमें रियल टाइम में हजारों सेंसर्स वर्क करते हैं सर्वर्स के बीच डेटा को ट्रांसफर करने के लिए। साथ ही प्रेडिक्टिव मेंटेनेंस और बिग डेटा एनालिसिस की वजह से ह्यूमन टास्क की जरूरत और कम हो जाती है। नंबर 2, डिसीजन मेकिंग विद द हेल्प ऑफ कंप्यूटर्स। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग की हेल्प से सिस्टम्स एंड मशीन्स खुद की सारा एनालिसिस एंड प्रिडिक्शंस करते हैं और जरूरी डिसीजन लेकर ऑटोमेटिकली इम्प्रूवमेंट्स एंड सॉल्यूशंस पर काम करते हैं। नंबर 3, ऑटोमेशन ऑफ वर्क यूजिंग कंप्यूटर। स्मार्ट मशीन्स, सर्वर्स एंड सिस्टम्स की वजह से ह्यूमंस की हेल्प या एक्शंस के बिना ही सब काम अपने आप हो जाता है। एरर्स, प्रॉब्लम्स, डिसीजंस, चेंजेस, सब कुछ मशीन्स अपने आप कैरी आउट करने में एफिशिएंट है। मतलब कि IoT, मशीन लर्निंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इन सब की हेल्प से एडवांस्ड लेवल का ऑटोमेशन किया जाएगा। ये सब इंडस्ट्री 4.0 में देखने मिलेगा। इसकी वजह से हर चीज 4 to 5 times और ज्यादा ऑटोमेट हो जाएगा। सोचो कि अभी ही ऑटोमेशन की वजह से मशीन्स कितना कुछ काम कर पा रही हैं। इससे भी 4 to 5 times ज्यादा एफिशिएंटली मशीन्स वर्क करेंगी, वो भी अपने आप बिना ह्यूमन एफर्ट्स के। मशीन खुद से सीखकर इम्प्रूव करके और ज्यादा एफिशिएंसी पर वर्क कर पाएंगी। एप्लीकेशंस ऑफ इंडस्ट्री 4.0। नंबर 1, स्मार्ट फैक्ट्री। स्मार्ट फैक्ट्रीज के आने से कुछ अनएम्प्लॉयमेंट बहुत बढ़ सकती है। कम ह्यूमन वर्क, ज्यादा ऑटोमेटिक मशीन वर्क। ट्रेडिशनल जॉब कम होंगे पर एडवांस्ड और फ्यूचरिस्टिक वाले बढ़ेंगे। फिलहाल AI फील्ड में बहुत वैकेंसीज हैं, क्योंकि इस फील्ड में काम करने वाले और नॉलेज वाले लोग कम हैं। तो फ्यूचर ट्रेंड्स के हिसाब से हमें अपनी स्किल्स डेवलप करनी पड़ेगी, ऐसी स्किल्स जो कंप्यूटर नहीं कर सकता, जिसके लिए एक स्मार्ट ह्यूमन माइंड की ही जरूरत है। तो आज हम उन्हीं सब के बारे में बात करेंगे कि हमारे पास क्या ऑप्शंस हैं। नंबर 2, IoT, इंटरनेट ऑफ थिंग्स। बहुत कुछ काम मशीन्स खुद कर सकती हैं, जैसे अभी फैंस, डोर्स, वॉशिंग मशीन है। वैसे काफी कुछ एडवांस्ड टास्क भी हम घर के बाहर से मशीन से करवा सकते हैं। इसके अलावा ऑगमेंटेड रियलिटी, ऑथेंटिकेशन एंड फ्रॉड डिटेक्शन, स्मार्टर मोबाइल डिवाइसेस, ये सब एप्लीकेशंस भी इंडस्ट्री 4.0 में देखने मिलेंगे। अब देखो, इंडस्ट्री 4.0 का ये जो पूरा रेवोल्यूशन है, ये अभी ऑलरेडी स्टार्टिंग स्टेज में शुरू हो चुका है। टेक्नोलॉजी की फील्ड में ट्रायल्स, टेस्टिंग, रिसर्चेस एंड इवन यूसेज फुल फ्लेज्ड तरीके से स्टार्ट किया जा रहा है। नेक्स्ट 10 से 15 साल में इंडस्ट्रियल 4.0 एरा अपनी पीक पे आ जाएगा। OEMs यानी कि ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर्स और टीयर 1 कंपनीज इस प्रोसेस को शुरू कर चुकी हैं। टीयर 2 एंड 3 कंपनीज भी अपने आप को प्रिपेयर कर रही हैं। देखो, रिसर्चर्स के हिसाब से ये कुछ सेक्टर्स हैं जहां काफी सारे जॉब्स चले जाएंगे। हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री, टेलीमार्केटिंग, पोस्टमैन और मेलमैन, डेटा एंट्री क्लर्क्स, अकाउंटिंग, फैक्ट्री एंड असेंबली वर्कर्स, बिजनेस सर्विसेज एंड एडमिनिस्ट्रेशन मैनेजर्स, कस्टमर सर्विस वर्कर्स, ड्राइवर्स एटसेट्रा। पर दोस्तों, ऐसा नहीं है कि सारे जॉब्स गायब हो जाएंगे। जॉब्स वो वाले गायब होंगे जहां वर्क रेपिटेटिव होगा या ऐसा कुछ जो टेक्नोलॉजी कर पाए, और ये पूरे वर्ल्ड में एक साथ नहीं होगा। ये एक ट्रांसफॉर्मेशन की प्रोसेस है। जैसे डेवलप्ड कंट्रीज में ये चेंजेस जल्दी अप्लाई होंगे, डेवलपिंग कंट्रीज में थोड़ा धीरे और अंडर डेवलप्ड कंट्रीज में और बाद में। जैसे इंडिया में ड्राइवर की जॉब इतनी जल्दी गायब नहीं होगी, यहाँ टाइम लगेगा उस टेक्नोलॉजी को आने में और हर जगह पर अप्लाई होने में। उसी तरह हमको देखना होगा कि कौन से सेक्टर्स में किस लेवल के जॉब्स जल्दी डिसअपियर हो सकते हैं और कहाँ टाइम लगेगा। अगर आप टेक्नोलॉजी की डेवलपमेंट और फ्यूचर नीड्स के हिसाब से एडवांस्ड स्किल्स डेवलप करते हो, तो आपको टॉप जॉब्स मिलेंगे जो मशीन्स नहीं कर सकती। ऑगमेंटेड एंड वर्चुअल रियलिटी, मशीन लर्निंग, IoT, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इन सब पर टेक्नोलॉजी का प्रेजेंट एंड फ्यूचर बेस्ड है। हर एक इंडस्ट्री में इनकी एप्लीकेशंस की हेल्प से ही न्यू जॉब्स जनरेट होंगे।
आपको अपनी फील्ड के बारे में इन सब कॉन्सेप्ट्स के हिसाब से रिसर्च करनी होगी, देखना है कि आपकी फील्ड में कैसे ये सब अप्लाई हो रहा है और क्या जॉब्स क्रिएट होंगी। उन्हीं जॉब्स को टारगेट करके आपको टेक्नोलॉजी के हिसाब से स्किल्स एंड करियर प्लानिंग करनी होगी। अब हमको ऐसे स्किल्स और फील्ड्स को टारगेट करना है जहां हमारी स्किल्स का कोई रिप्लेसमेंट नहीं किया जा सकता। आप अभी जिस भी फील्ड में काम कर रहे हो या स्टडी कर रहे हो उसके ऊपर रिसर्च करना होगा और फिर हम अल्टरनेटिव्स ढूंढने हैं फ्यूचर इंडस्ट्री नीड्स के हिसाब से अपना स्किल सेट डेवलप या अपग्रेड करना है। और अगर आप पीक इंडस्ट्री 4.0 एरा में ना सिर्फ एम्प्लॉयड रहना चाहते हो पर ऑल्सो आपको वेल पेड जॉब सिक्योर रखनी है तो शुरुआत अभी करनी होगी। जितना जल्दी और ज्यादा नॉलेज लेना आप स्टार्ट करोगे स्किल्स उतना जल्दी डेवलप होंगी और आपको एक्सपीरियंस एंड एक्सपर्टीज हासिल होगा। इससे आपके पास ना सिर्फ एम्प्लॉयमेंट होगी पर एक अच्छी इनकम भी। इसके अलावा हमें डिफरेंट वेज ढूंढने चाहिए जिससे हम फ्यूचर में अपनी इनकम हाई रख सकें और खुद को फाइनेंशियली सिक्योर बना पाएं। इसके लिए हमें अपने लिए मल्टीपल स्ट्रीम्स ऑफ इनकम तैयार करना होगा। अलग अलग सोर्सेज से हमें इनकम आने का स्कोप ढूंढना होगा। इससे अगर हमें कभी अपने मेन सोर्स में प्रॉब्लम आए तो बाकी सोर्सेज की हेल्प से आप अनएम्प्लॉयमेंट से बच सकते हो और फाइनेंशियली और ज्यादा प्रोटेक्टेड रहोगे। इसके बारे में अगर आप एक डिटेल वीडियो चाहते हो तो मुझे कमेंट्स में जरूर बताना। तो दोस्तों ये था हमारा आज का वीडियो जहां हमने इंडस्ट्री 4.0 के बारे में देखा, टेक्नोलॉजी के फ्यूचर कंपोनेंट्स और एप्लीकेशंस को समझा और हमने देखा कि कैसे हम अनएम्प्लॉयमेंट से बच सकते हैं, इंडस्ट्री 4.0 में अपनी जगह बना सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक एंड शेयर जरूर करें। अपने डाउट्स या व्यूज मुझसे कमेंट्स में शेयर कर सकते हो और लेटेस्ट फ्री कोर्सेज एंड वेबिनार्स के लिए स्किल्स या टेलीग्राम चैनल पर हमें सब्सक्राइब कर सकते हैं। हम आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।